हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंट्राडे ट्रेड पर आपका वेलकम है। देखिए यहाँ पर निफ्टी की बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे निफ्टी, तो देखिए यहाँ से वीकली कैंडल के ऊपर तो मार्केट देखिए यहाँ पर 12,000 के आसपास से मार्केट यहाँ पर राउंड ऑफ हुआ है। ठीक है, अभी देखते इसकी कैंडल देखते अभी इस वीक की। ठीक, और ये देखिए ये जो रेड कैंडल डाली है मार्केट ने, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, अभी रेड कैंडल डाली है तो फिर मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव ओपन होना चाहिए, उसके बाद डाउन साइड की मूवमेंट। ठीक है, या तो फिर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या डाउन साइड की मूवमेंट करने लगता है तो मार्केट फिर डाउन साइड डाउनफॉल इस रेंज तक भी आ सकता है, 15,800 के आसपास। ठीक है, तो अभी डे की कैंडल पर देखते हैं मार्केट। ठीक है, और डे की कैंडल पर जो ये रेड कैंडल लगा है तो फिर मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो फिर पैनिक सेलिंग आ सकती है यहाँ पर, और इस रेंज को निकाल देना चाहिए मार्केट ने 16,980 को। ठीक है, 9,30, 40, 50 अगर इसको क्रॉस कर देता है, ठीक है मार्केट 50 को अगर क्रॉस कर देता है तो फिर मार्केट यहाँ पर 16,700 के आसपास मार्केट आके रुकेगा। ठीक है, और अभी देखते हैं अपने 15 मिनट कैंडल के ऊपर और देखते हैं मंडे में क्या हो सकता है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर मार्केट आज का देखेंगे मतलब फ्राइडे का, तो ये देखिए यहाँ से मतलब 300 से लेकर 900 मतलब 300 पॉइंट माइनस हुआ है मार्केट नेगेटिव ओपन होने के बाद। तो अभी हमारे पास एक ही रेंज बचती है ये वाली, ठीक है 70,015। ठीक है, अगर इसको क्रॉस कर देता है मार्केट तो फिर से 250 की लेवल देखने को मिल सकती है, और बिग टारगेट कभी मत रखो। ठीक है, अगर बिग टारगेट रखोगे तो फिर हमारे कोई लॉस हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर 950 को निकाल देता है, 16,915 को निकाल लेता है मार्केट, तो फिर यहाँ पर 800 और 750 ये दो लेवल हो गए, दो टारगेट हो गए। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव ओपन होता है, ठीक है यहाँ पर पॉजिटिव ओपन होता है और यहाँ पर कंसोलिडेट करता है तो फिर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट अगर क्लियर कर देता है, ठीक है ब्रेक होता है यहाँ से इस रेंज तक लेकर, तो फिर हमारे लिए फिर से अच्छा डाउनफॉल हो सकता है। ठीक है, और वहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए और एक बात याद में रखिए, अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट होता है थोड़ा सा मतलब 30 पॉइंट और 70,000 क्रॉस करता है और 70,020 को निकाल देता है मार्केट यहाँ पर, तो फिर से हमारे को 200 और 180 की हमारे को लेवल देखने को मिल सकती है फ्लैट ओपन होने के बाद। अगर फ्लैट ओपन होता है और फिर से कंटिन्यू डाउनफॉल होता है मार्केट, ठीक है या 40-50 पॉइंट्स अगर डाउनफॉल होता है तो फिर मार्केट फिर से 900 और 850, ठीक है ये दो टारगेट हम रखेंगे। और वीकली की कैंडल पर क्या होता है पता है हमारे को, उसका नज़रिया पता चलता है। ठीक है, मतलब अगले वीक में क्या कर सकता है। ठीक है, अभी इस यहाँ पर रेड कैंडल डालिए तो रेड कैंडल डालने से क्या होता है मार्केट इस रेंज तक आ गया है। ठीक है, अगर इस रेंज तक आ गया है मार्केट तो फिर इस रेंज को ब्रेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकता। ठीक है, 700 अगर 700 को क्रॉस करता है सेकंड कैंडल वीक तो फिर ये इस रेंज तक भी आ सकता है 15,800 के आसपास। और देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, और मार्केट को वॉच करो आपको वैसे ही पैसा देगा। ठीक है, बट आपको एग्जिट बरोबर लेना है और करेक्ट हमारे को वहाँ पर एंट्री लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे अवरली चार्ट तो वहाँ पर भी पता चल सकता है हमारे को मार्केट कैसे कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल डाला है तो फिर यहाँ पर मार्केट अगर डाउनफॉल होता है, ठीक है डाउनफॉल मतलब गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद कैरी करता है तो फिर मार्केट यहाँ पर 70,180 की भी लेवल देखने को मिल सकती है अगर अवरली चार्ट पर देखेंगे तो। ठीक है, ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। और देखिए मार्केट